हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो माँ के साथ हम लोग सोमवार को दिन को निकले थे पूजा कराने। फिर ये हो गया मंगलवार का शाम, तो फिर शाम को बोले एक बार मेला का मज़ा जो होता है शाम को आता है ना। और हम लोग क्या किए, रात को थोड़ा सा लेट निकले, शाम तो नहीं बोलूँगी। और गांव का मेला थोड़ा ऐसा नहीं है कि जैसे शहर सब में क्या होता है कि लेट तक मेला चलती रहती है, पर यहाँ पर वैसे नहीं है। आपका 9 साढ़े 9 10 बजे तक मेला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना जैसे कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, पूरा मंदिर के सामने स्टेज वगैरह बनाया गया है उधर होता है। तो हम लोग क्या किए, लेट को थोड़ा सा घूमने निकले। और आज थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज सिर्फ माँ नहीं, साथ में पिंकी हैं और साथ में चाची हैं, मून है, साथ में इनके दो दोस्त हैं। तो हम सब घूमने के लिए निकले थे एक साथ, और माँ को भी लेके आई हूँ क्योंकि उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और साथ में क्या होता है कि मज़ा आता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए, चाची और पिंकी दोनों हाई कर रही हैं। एक्चुअली गाना बज रहा था ना, जिस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। और जो भी हाई कर रहे हैं ना, ये चाची लोग के रिश्तेदार हैं। पर जैसे ही हम लोग मिले तो वो बोले कि नहीं, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, तो अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुनकर कि मेरे सब्सक्राइबर, पर इनको मैं इनडायरेक्टली जानती थी, डायरेक्टली तो कोई मिले नहीं थे। पर बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि आपको कोई जानने लगे हैं। आप लोग का प्यार ही है ये, बोल सकती हूँ। और इस तरह से प्यार देते रहिए, आगे भी बहुत सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हम लोग मल्ला से वहाँ आ गए, तो यहाँ पर मैं आप लोग को हम लोग का गाँव का मंदिर दिखा रही हूँ। तो ये है एक गांव का जो देवी मैया होती है ना, उनका मंदिर, और उनके सामने जस्ट है शिव भगवान का मंदिर, और उनके बगल में लक्ष्मी मंदिर। इतना छोटा सा जगह है, इसी बीच कितना मंदिर। और इधर आप लोग आगे जाइए ना, माँ शीतला मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। फिर ऊपर आगे जाइएगा तो जगधात्री मंदिर, बहुत सारा मंदिर है। तो ये है नेक्स्ट नेक्स्ट डे नहीं बोलूँगी, ये एक्चुअली सैटरडे को हो गया। बीच में मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि एक छोटा सा चीज़ बोल सकते हैं वो, पर मेरे लिए बहुत बड़ा काम है वो। आगे आप लोग को बताऊंगी, अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगी, पर सामने बहुत जल्द बताने वाली हूँ, 2-3 महीना में। तो मेरा बहुत बड़ा सपना है, अगर आप लोग इस तरह से प्यार देते रहोगे तो ज़रूर से पूरा कर पाऊंगी, उम्मीद करती हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे, भगवान का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, सब कुछ मिलेगा तो ज़रूर हो जाएगा। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, घर से निकले हुए 1.5 घंटा पार हो गया, और आज बहुत बोरिंग लग रहा है। एकदम से आने का भी मन नहीं था, और ऊपर से इतना बोर लग रहा है ना, क्योंकि माइंड मेकअप किए थे ट्रेन से आएंगे, पर जब आना ही पड़ा गाड़ी में, बोरिंग लग रहा है, पर क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। और बेटी पूरा सो गई थी, देखिए उसका हालत। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुके कि थोड़ा सा बैठे बैठे जो ये लगता है, 1.5 घंटा नहीं ज़्यादा होगा, ये बोल दिए कि 1.5 घंटा। शक्ल दिखाओ अपना, तो चलिए और टाइम लगेगा, अभी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ा खड़ा होंगी, बहुत सुंदर फूल है यहाँ पर, छोटा छोटा लाल रंग का, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर बहुत कोई का घर का दीवार पे भी देखती हूँ ऐसा फूल। आप लोग को दिखाती हूँ क्या है ना, ये देखिए, एक फूल तोड़ते हैं ना। जंगली फूलों का स्वागत, ये जंगली फूल नहीं है, क्या है? आगे उसी होटल में जा, पिछले बार भी खाए थे तो यही खाना है, पर इस बार मेनू अलग है। गुड इवनिंग, तो पहुंच चुके हैं अपना कर्म क्षेत्र में। तो यहाँ आने के बाद फिर जैसे साफ सफाई रहता है हमेशा की तरह, वो किए, और उसके बाद मैं दिन को सोच रही थी रेस्ट करूंगी, पर नींद नहीं आया। एक्चुअली नींद बहुत जोर का लग रहा था गाड़ी में, पर उतरने के बाद नींद ही नहीं आया।
और हम लोग तो खाके ही आए थे, तो खाने का कोई झमेला नहीं था। रूम सब साफ सफाई किया इस बार, जो है कि कम दिन का था मतलब के लिए गए थे ना, तो इस वजह से ज्यादा गंदा भी नहीं हुआ था। बेटी आपको उस दिन का व्लॉग में बताई ना कि मामा साफ करके जा रही है कि उनको आके ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। और उसके बाद दूध भी इस आज क्या है कि कुछ बंदी वगैरह है तो फिर दुकान वगैरह कुछ सब कुछ बंद था। हम लोग का ऐसे पैकेट वाला दूध भी नहीं मिला, तो ये चाय नहीं पिए। मैं ऐसे थोड़ा सा अदरक वाली चाय बनाकर पी ली और इनको वो सब अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ये नहीं पिए, बोले मुझे नहीं पीना है, जब दूध आएगा तभी पीऊँगा। और अभी जस्ट दूध आया, पर किचन जो है थोड़ा सा गंदा हो गया है, नॉनवेज बन रहा है। आया है घर से ही बतख मीट हम लोग लेके आए थे, थोड़ा सा जैसे होता है ना सोटे करके ले आए थे, सुबह एकदम से बिल्कुल टाइम नहीं था, तो फिर बोले बना के ले जाना पॉसिबल नहीं होगा और ठंडा भी मौसम है और साथ में एसी में आएगा तो खराब भी नहीं होगा। तो बस ऐसे ही मम्मी क्या की सुबह कि थोड़ा सा ऐसे ही तेल से सोटे कर दी और टिफिन में भर दी थी, तो उसको हम लोग लेकर आए थे और वो बन रहा है अभी। और साथ में पिछले बार भी आए थे तो चावल ही खाए थे रात को, तो आज भी हम लोग बोले नहीं चावल खाएंगे, दोपहर को रोटी खाए थे तो चावल और बतख मीट खाएंगे और साथ में देखते हैं। और आज ना मैं इनको मना कि सब्जी वगैरह कुछ मत लाइए, ये नहीं करेंगे आज नहीं, कल संडे है, कल ही लेके आएंगे, तो सुबह सुबह ये जाएंगे, अभी ज़रूरत भी नहीं है उन लोग को। और बेटी यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, ये देखिए। तो कैसा लग रहा है? बोरिंग। मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग बोरिंग लग रहा है, ड्यूटी करना होगा ना, मजबूरी वहां है। हाँ, तो तुमको तुमको कैसा लग रहा है? मैं तो यहाँ कोई दोस्ती नहीं है तो कैसा लगेगा? उसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर आने से। और मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि मुझे यहाँ पर कैदी जैसा फील होता है, पर आना पड़ेगा। और क्या कह रही थी, हाँ जैसे ठंडा पड़ता है ना हम लोग के घर में, ये यहाँ रहते थे और कभी कभार घर जाते थे तो हम लोग के घर में रात को खाना बनता था, यानी चावल बनता था। तो वो चीज़ आज मन किया फिर से कि ठंडा पड़ रहा है और दिन को रोटी खाए थे इसी वजह से कि रात को बतख मीट के साथ खाएंगे चावल। और यहाँ पर ना मजा आ जाएगा, और हम लोग के वहाँ पर ना बतख मीट बहुत अच्छा मिलता है, एकदम सॉलिड, और कहीं इतना अच्छा नहीं मिलता है, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, हाँ देहाती, वो देहाती थोड़ी होगा, वो भी देहाती है, ये तो फार्म वाला आता है। हाँ फार्म वाला, ये फार्म नहीं है। अच्छा हाँ, फिर भी यहाँ भी मिलता है, पर वो ना एकदम से आपको क्या बोलूँ उसको, काटा काटा ज्यादा। पर हम लोग के वहाँ में वहाँ पर जो मिलता है वो पूरा चर्बीदार मिलता है, पर इसलिए अच्छा लगता है। और ठंडा के मौसम में एक बार जरूर से खाना चाहिए बतख में, जिसे होता है कि स्टोन वगैरह अगर होगा ना पेट में वो क्लियर हो जाता है बोलते हैं। साल में एक बार जरूर से खाना चाहिए उसको। और मैं दिखाती हूँ कैसे बन रहा है हम लोग का चावल, और ठंडा में चिकन चलता ही नहीं, हम लोग ठंडा में यहाँ रहने से नहीं चलता है, यहाँ तो चिकन चलता है, वहाँ रहने से हम लोग का बतख मीट चलता है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा दूँ कैसे बना है, दिन को पार करना है जैसे तैसे, मतलब दिन भर पार हुआ तो अभी शाम भी पार करना है, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए चावल के लिए पानी चढ़ा के रखी हूँ, और यहाँ पर है मीट, ये भुन चुका है, इसमें अभी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी देंगे, और इसमें सीटी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मीट होता है ना थोड़ा सा टाइट भी रहता है, इसको दो तीन सीटी लग जाएगा। तो चलिए, तो बस ये देखिए अभी मैं इसमें सीटी लगाऊंगी, उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें मैं पानी डाल चुकी हूँ, और बस इसमें भी लगाना है सीटी, तीन चार सीटी लगने से ये कम्प्लीटली बन जाएगा, क्योंकि हाँ क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से भून चुके हैं। देखिए हम लोग का ढाबा स्टाइल पूरा रात का डिनर तैयार हो गया, तो ढाबा स्टाइल कैसे बोलोगे आप लोग, यहाँ पर प्याज कटा हुआ है, पापड़ फ्राई है, और साथ में अचार देने वाली हूँ, और साथ में मीट बना रही थी जिसे आप लोग को पता है, और चावल, यही है आज का डिनर का मेनू। तो बस अचार निकाल रही हूँ, कौन सा अचार खाएंगे सिलेक्ट करें, मिर्च का एक आता है ना कश्मीरी मिर्च का अचार, वो वाला मुझे बड़ी पसंद है, तो उसको निकाल रही हूँ कि उसी को खाएंगे। रात को तो ऐसे अचार नहीं निकालती हूँ, पर आज क्या है कि टमाटर वगैरह मैं मंगाई नहीं ना, तो उसको जला के खाने से भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर प्लेट तो लग चुका है, अभी
बस गर्मा गर्म चावल के साथ ये खा लेंगे तो एकदम जोरदार का नींद आएगा। तो इनको बोल के रखी हूँ कल तो संडे है, हम लोग थोड़ा लेट उठेंगे, वैसे उठने का तो कोई हड़बड़ी नहीं, फिर भी तो आपको 6:30-7 बजे तक उठना है क्योंकि मार्केट जाएंगे, ये सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। और डिनर कर लेने के बाद यहाँ पर मैं आ गई अपना किचन का साफ़ सफाई करने, जैसे नॉनवेज खाने से ना थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है किचन, और ऐसे में चावल खाए हैं तो बहुत सारा बर्तन है, मुझे साफ़ करने में समय भी लग जाएगा। और उस टाइम जो दूध आया है ना उसको मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया नहीं है क्योंकि नॉनवेज बना हुआ था और उसको साइड करके रखी थी, बस अभी गैस को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद दूध को चढ़ाने के बाद फिर मैं बर्तन धोते धोते ये तब तक गर्म हो जाएगा। ऐसे में काम करने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं होगा आज, क्योंकि जैसे ठंडा पड़ रहा था ना हम लोग को लग रहा था कि कितना ज़्यादा ठंड पड़ जाएगा इस बार, और पूरा आसमान में बादल है इसी वजह से ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, पूरा वेदर गर्म है, पंखा के बिना तो रहा नहीं जा रहा है, पूरा पसीना भी निकलना शुरू हो गया। मैं सोच रही हूँ क्या होगा इस तरह से दिन भर गर्मी लगे, शाम को गर्मी लगे, आधा रात से ठंडा लगना शुरू हो जाए और ऊपर से बारिश हो जाए तो फिर इंसान का जीना हराम हो जाएगा इस तरह का, अगर 3-4 तरह का वेदर रहेगा तो। और क्या करेंगे, मुझे अभी किचन का साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन पूरा सिंक भरा हुआ है वो सबको साफ़ करना है और उसके बाद जाके सोने जाऊंगी। मुझे तो जब तक ये सब काम ख़त्म नहीं कर लूँ ना मुझे नींद ही नहीं आता है, किचन का साफ़ सफाई फिर बर्तन, और सुबह टाइम ही नहीं मिलता है कि सुबह ये सब काम करती रहूँ, और सुबह का नाश्ता वगैरह बनाना होता है, और फिर कल संडे है, ऐसे सोच रही हूँ कि कल जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं, झमेला नहीं कि कल आराम से उठ के काम करूँगी। तो अभी दूध को गर्म करने लिए चढ़ा के फिर अपना काम में लग जाऊंगी क्या करूँ। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।